फॉरवर्ड पोजीशन होती, लेकिन अभी वो ग्राउंड पे है तो मैंने आके रनिंग पोजीशन लेकर फुट पे बैठ गया। अच्छा, आपका जो ये वाली नी है ये वेलकम के शोल्डर के साथ होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल दूर बैठे हो तब भी नहीं, इतने करीब भी आप ना बैठे, ठीक है, बल्कि एक ऐसे तरीके के साथ बैठ जाए कि आपको इजी फील हो। अच्छा, इसके अलावा कभी भी ये अटेम्प्ट ना करें कि आप दोजानों होके आके पेशेंट को देख रहे, नहीं, आप खुद की सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हो सकता है कि आपकी बैलेंस भी आप उसके ऊपर गिरे। इसके अलावा अखलाकी तौर पर आपने कभी भी पेशेंट के ऊपर से क्या नहीं करना, मूवमेंट नहीं करनी कि इसके ऊपर आप इसको पला के उस साइड पर चले जाए, नहीं। अच्छा, पहली चीज़ जो आपको बताएगी कि वो कौन सी थी, ए और बी, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, यू हैव टू टेक द बेट, उसके लिए कौन सा फार्मूला बताया गया था, ए बी पी ए बी पी, शाबाश। टेक द बेट शोल्डर्स फॉर 3 टाइम, हेलो सर, हेलो सर, आर यू ओके, तेज थोड़ा तेज ताकि हम सुनाएं, शाबाश, वेल सर, आर यू ओके, हेलो सर, आर यू ओके, हेलो सर, आर यू ओके। आपने लोकल लैंग्वेज, अगर आप इंटरनेशनल टूर पे हैं तो इंग्लिश में पूछें, अगर आप यहाँ पे पश्तून काम है तो आप पश्तून में पूछें, ठीक है, ये जरूरी है, ऐसा ना हो कि एक बंदे से आप यहाँ पे चर्चा ना चुके थे इंग्लिश के तरफ से क्या अंदर की, ठीक है, तो लिहाजा आपने लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। ये हुआ, फिर पिंच कर लें, पी फॉर पिंच, ठीक है, आप इसको यहाँ से भी पिंच कर सकते हैं, इसको खोले नहीं, और आप यहाँ से भी पिंच कर सकते हैं। अच्छा, इस बंदे ने ए बी पी, इसको कौन सी चीजें पे डिक्लेयर करनी है, द वेक्टर इज अनरिस्पॉन्सिव या अनकॉन्शियस, एक चीज का पता चला। इसके बाद आपने कौन सी चीजें देखनी है, इसकी सांसें और इसकी नब्ज भी आपने देखनी है कि नहीं, तो लिहाजा उसके लिए कौन सी चीज आपने करनी है, आपकी टू फिंगर कहाँ पे होगी, कैरोटिड पे होगी, और आपकी नजर को स्कैन करेगी, कोई ब्रीज है कि नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह द ब्रीज इज प्रेजेंट, ठीक है, और यहाँ पे नब्ज भी चल रही है, यह सिनेरियो वन है। दूसरे सिनेरियो में क्या हो सकता है कि आपको पेशेंट मिलेगा अनरिस्पॉन्सिव, ब्रीथलेस एंड पल्सलेस, उसके लिए प्रोटोकॉल क्या होगा, सीपीआर, लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ऐसा ना हो कि आप विदाउट चेकिंग, आपने चेक ही नहीं किया और आप कंप्रेशन की तरफ चले गए, नहीं, तो इसके लिए प्रोटोकॉल्स फिर कौन से होंगे, इंस्टेड ऑफ सीपीआर ए बी एन सी, अनकॉन्शियस कैजुअलिटी के लिए, क्योंकि इसकी ब्रीदिंग एफर्ट्स भी है और पल्स भी है, तो आप इसकी ए को मेंटेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर फोर फिंगर्स इसके माथे पे, और आपकी टू फिंगर्स अंडर द बोनी पार्ट ऑफ द चिन, एंड यू हैव टू टिल बैक द वेक्टम हेड, दिस इज ए, और इसकी माउथ को खोलें और इसमें देखें, जब इसकी रेजिस्टेंस और यहाँ पे जो रुकावट है उसको आप दूर करेंगे तो आपको यहाँ पे ए और बी आपको ठीक नजर आएगा, ठीक है। अभी सी को ठीक करने के लिए आप उसकी लोअर लेंथ आप छोड़ेंगे नहीं, इसको मरीज को छोड़ेंगे ना, आपने क्या करना है, उठें, उठ जाएं, इस साइड पे आ जाएं, आपकी जो फोर फिंगर्स है इसके क्लच बनाएं, क्लच बना के यहाँ पे एक टखने में और दूसरे टखने में, शाबाश, और इसको एलिवेट कर दो, ऊपर की तरफ उठ जाएं, खुद भी गुड। अच्छा, ये एलिवेशन कितनी होनी चाहिए, 12 इंचेस आपकी नीज तक होनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि ब्लड की जो फ्लो है हार्ट एंड ब्रेन, तो कितनी चीज़ें हो रही है, this person is responsible for A and B, and this person is responsible for the circulation, blood flow volume towards the heart and brain. अभी इसकी normal body temperature को maintain रखने के लिए आप इसके जिस्म को क्या करना है, with the help of blanket ढांकना है, शाबाश, आप आ जाएं, आ जाएं, इसके जिस्म पे कंबल डालें, बशर्त ये कि इसके मुंह को आपने कवर नहीं करना है, ठीक है, अच्छा गुड। अगर तो आपके पास कोई ब्लैंकेट नहीं है तो फिर क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ योर जैकेट, ठीक है, आप अपने जैकेट वहां पे डाल सकते हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज, कंबल, पायोडी, गर्म पट्टी, नरम पट्टी, इनको फिर आप छोड़ें, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है वही आप फॉलो करें, ठीक है, तो दिस इज ए बी एस सी। अभी ये लोग खुआरी और मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, किस पेशेंट के साथ, वो बंदा जो बेहोश हुआ विदाउट एनी रीजन, हमें किसी इसकी हिस्ट्री का पता नहीं है, ठीक है,
लेकिन ये बेहोश हुआ, बेहोशी की जो वजह हम ना जान सके, लेकिन ये हम जान सके कि इस बंदे की हालत क्या है, ब्लॉक्ड है। उसके लिए उन्होंने कौन से प्रोटोकॉल फॉलो किए, द प्रिंसिपल्स ऑफ DRABC। अच्छा, ये करने के बाद दिस पर्सन इज द लीडर, और ये किस चीज के करीब बैठा है, एयरवे के करीब। यहाँ पे इसको एक आवाज जो है ना सुनने को आएगी, क्या हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकती है। इस बंदे ने जो सुबह इसने खाया था, जो पिया था, वो चीजें क्या हो रही है, वो रीकर्जिटेट होके आ रही है, और कौन सी चीज हो रही है, उसकी एयरवे की तरफ हो जा रही है। आपने इसको छोड़ना नहीं है, इसको अगर आप छोड़ेंगे तो आपने कॉम्प्रोमाइज किया। और स्टैंडर्ड की कौन सी चीज हमने बोली थी कि अप्रोप्रिएट आपने ट्रीटमेंट देनी है, अपने आप को इनकरेज करना है, और कहते हुए चाहिए दूर लेने दे बस पैदा, ठीक है, नहीं आपने अपने आप को ऑक्सीजन देनी है, ठीक है। तो अभी आपने कौन सी चीज यहाँ पे सुनी, हाँ इसकी सेक्रीशन आ रही है, ठीक है, उसको दूर करने के लिए नंबर वन, अगर आपको कोई ओबीस लगता है, मेरे ओबीस, ठीक है, बल्कि उसको आप साइड पे नहीं कर सकते, तो आपने उसके हेड को क्या करना है, ये साइड पे करने से कौन सी चीज होगी, वो सेक्रीशन चाहे खून की शक्ल में हो, चाहे वोमिट्स हो, जो कंटेंट्स होंगे वो आके ग्राउंड पे गिरेंगे, और इसकी एयरवे क्या नहीं होगी, वो चॉक नहीं होगी। लेकिन ये बंदा जो है वो नॉर्मल बॉडी वेट का है, तो इन्होंने क्या करना है, इनको कहना है कि आपने इसको लिफ्ट लैटरल पोजीशन में डालना है, कौन सी पोजीशन, लिफ्ट लैटरल पोजीशन। अच्छा, लिफ्ट लैटरल पोजीशन सीखने के लिए हमने ये मैनिकन पे नहीं करना है, बल्कि हमने एक बंदे को यहाँ पे, आपके साथियों में से एक बंदा यहाँ पे बैठेगा ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, इस मैनिकन को आप क्या करें, इसको रखें, इसको अपनी दोबारा यहाँ पे लेकर आए, आराम से लेकर आए, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास जो टाइम होता है विदिन 1 मिनट ये सारी चीजें हो जाती है, क्योंकि ये आप अकेले नहीं कर सकते, लोअर जहाँ नीचे आप कोई मीडिया रहते हैं, कोई आप वहाँ पे शेयर रहते हैं, कोई लटा पर बैठ रहते हैं, कोई ऐसी चीज़, फिर आप रिपोर्ट करें तो वर्ड्स कौन सी चीज़ होती है। अच्छा, एक और